हेलो गाइस, वेलकम टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, बिकॉज IPL शुरू होने वाला है। तो उसके पहले बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान हमको बता दीजिए, किस तरीके से हम प्रॉफिट में रहें। और जो वीडियो का टाइटल है वो आपने देखा होगा, वो भी इसी तरीके का है कुछ। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि मैं आपको बताऊंगा, मेगा GL जो होती है 1 करोड़ 50 करोड़, ऐसी इनकी ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है यहाँ से अपना, कुछ एक्सपर्ट्स हैं इनके चक्कर में भी नहीं फंसना है। और जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक लीथल इन्वेस्टमेंट प्लान मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, जो हर कोई फॉलो कर सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके पहले आपको ख़ुद ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आपको प्रॉपरली फॉलो करना है वो प्लान और प्रॉपरली खेलना है, सिंसियरिटी अगर आप देखो, हर मैच हर बंदा खेलता है लेकिन वो कभी भी ट्रैक के साथ नहीं खेलता है, और हमेशा जो पैसा मैनेज नहीं हो पाता है ना सही से, वो पैसा फिर बर्बाद ही होता है और वो लोग भी बर्बाद ही हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो क्या है, सबसे पहले चीज़ तो आप एक पॉइंट नंबर वन अपने दिमाग में बिठा लो कि IPL को इतना ज़्यादा हाइप किया जाता है इंडिया में, इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, इंडिया का त्यौहार है सब कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो इसकी मार्केटिंग है वो इतनी हाई होती है, प्लस इंडिया जैसी कंट्री में क्रिकेट जहाँ पर इतना हाई क्रेज़ है क्रिकेट का, प्लस जो बैटिंग्स वगैरह वाले होते हैं, ये वो फैंटेसी भी ले लो, हाइप इसको किया जाता है। तो लेकिन जो कॉमन लोग हो, आप लोग हो जो वीडियो देख रहे हो, या मतलब कोई भी हो, मैं भी हूँ, तो अपन को उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होना है कि यार मतलब यही आखिरी मौका है। अपन तो यार फैंटेसी प्लेयर है, अपन को पता है कि मैच ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हुआ, अपन तो 365 दिन खेलते हैं। तो कभी भी इसको इतना हाइप नहीं मत लेना है, ठीक है ना, कि यही लास्ट मौका है मेरा। देखो एक्सपर्ट्स तो करेंगे, उनका काम है, पर IPL फैंटेसी एप्लीकेशनों को लाखों लोग, नए लोग मिलते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स को लाखों नए लोग मिलते हैं जिनसे उनको कमीशन मिलता है, ये सब चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन आपको सबसे पहले इसका जो हाइप है उसको यहाँ से ज़ीरो कर देना है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट IPL इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे लगते हैं मुझे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले इसका जो हाइप है वो थोड़ा सा अपने आप के लिए कम कर लेना है। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान, सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, एक लीथल इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर कोई फॉलो कर सकता है। एक बेसिक अमाउंट से स्टार्ट करूँगा इसको, वो रखेंगे अपन 75 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट, स्पोर्ट्सी के हिसाब से हम रखते हैं 75 एंट्री कॉन्टेस्ट, जिसपे होती है 200 रुपये की विनिंग, 3 मेंबर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर की ही बात होगी, बिकॉज वही है एक प्रॉफिटेबल आपके लिए लीग। तो सबसे पहले मैच देख रहे होंगे आपको IPL में टोटल कितने मैच है, तो यहाँ से देखो 74 मैच है टोटल। अब 74 मैच में आपको करना क्या है, पर मैच आपको यहाँ से 4 कॉन्टेस्ट खेलने हैं, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के बाद। अगर आप यहाँ पर मैच 4 कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, ठीक है, 3 मेंबर, तो यहाँ से आपको कितने कॉन्टेस्ट खेलने पड़ेंगे, 296, आपको 296 कॉन्टेस्ट यहाँ से खेलने पड़ेंगे। अब एक मिनिमम अमाउंट की बात कर लेते हैं, 75, ये हर कोई इन्वेस्ट कर ही सकता है एक कॉन्टेस्ट पे, ठीक है, यानी आपका एक मैच में 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, तो आपको एक कॉन्टेस्ट कितने का खेलना है, 75 का। तो 296 इंटू 75 अगर जो अपन करते हैं, तो जो अपनी एंट्री फीस है वो है, मतलब जो अपन को एंट्री देनी है, इन्वेस्ट करना है, वो पूरे IPL में कितना करना है, यहाँ से 22,200 रुपये, ये है टोटल इन्वेस्टमेंट आपको इतना करना होगा, सोच लो, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई करो 3 में, आप 3 मेंबर ही आपको खेलना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझना प्लान, कुछ समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी लेना। ये आपको इतना टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, कितने मैचेस में, 74 मैच में, एक मैच में चार कॉन्टेस्ट खेलने हैं, टोटल 296 कॉन्टेस्ट हो जाएंगे, 75 रुपीज़ की एंट्री है, ठीक है, एक मिनिमम सुन लो, फिर उसको आप अमाउंट चेंज करके अपने हिसाब से अपने उस पर मल्टीप्लाई कर लेना, आपको करना है इतना इन्वेस्टमेंट। इसको कर लेते हैं अपन 3 में मल्टीप्लाई, 3 मेंबर अपन खेलते हैं, तो समझ लो 3 गुना अपना 66,600 रुपीज़ इतना हो गया। अगर अपन यहाँ से सारे पूरा IPL अगर अपन जीतते हैं, तो एक बेसिक बात मेरी पहले समझो, अब 66,000 हो गया, 22,200 का 66,600 हो गया आपका, ठीक है, होना चाहिए इतना। फिर उसमें से अपन 6,600 रुपीज़ का कमीशन हटा देते हैं, जो फैंटेसी ऐप आपसे लेते हैं, डायरेक्ट 3 गुना थोड़ी ना दे देंगे, तो आपका हो गया 60,000 रुपये, ठीक है, अगर आप सारे जीत रहे हो। अभी सुनो मेरी बात, पहले आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 22,200 रुपये,
आपकी विनिंग कितनी है? 60,000 रुपये पूरे आईपीएल के सीज़न में, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत सही बात बताता हूँ कि आप खुद सोच लो कि यहाँ से आप आपका लक बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, आप पता नहीं किसकी टीम से खेले, बहुत ज़्यादा लक ख़राब रहा, तो आप यहाँ से 50% कॉन्टेस्ट हार गए अपने। अगर आप 50% भी कॉन्टेस्ट हार गए ना, समझ लो 74 मैच में से, तो भी आप यहाँ पर 30,000 रुपये टोटल विनिंग में रहोगे, विच इज़ 8,000 रुपीज़, 7,800 रुपये आपका प्रॉफिट। यह है एक बहुत सही तरीका, आप समझ रहे हो। तो भी आप अगर आप 50%, मतलब कितना ही लग आपका ख़राब होगा कि आप 50% कॉन्टेस्ट हार जाओ, मतलब 2 महीने अगर आईपीएल चल रहा है तो 1 महीने आप हार ही जाओ, इतना ख़राब लग तो आपका नहीं हो सकता ना। और 4 कॉन्टेस्ट खेलने इसलिए बोल रहा हूँ मिनिमम, क्योंकि हर कॉन्टेस्ट ज़रूरी नहीं है, आप हार जाओ ख़राब भी टीम हो तो, ठीक है। वही इसको हम आधे में डिवाइड कर लेते हैं, ये आप लोगों को स्टेप समझ में आ गया होगा। जो लोग सोचते हैं जिनके पास अभी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, 22,200, उसको आधा कर लेते हैं, ठीक है। अपन 296 अपन को 74 मैच में करने हैं, चार 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 कॉन्टेस्ट हर मैच में, ठीक है, इसको अपन आधा कर लेते हैं, तो आपके कॉन्टेस्ट कितने आ गए यहाँ से, 148 कॉन्टेस्ट। इसको आप कर लो x 75 मल्टीप्लाई, तो अमाउंट हो गया 11,100 रुपये। इसको अपन x 3 कर लेते हैं, 3 गुना प्रॉफिट होगा, तो 33,300 होगा, 3,300 रुपये मैंने कमीशन भी हटा दिया है, तो भी यहाँ पर 30,000 रुपये है, ठीक है। आप इतना डाल के इतना यहाँ से निकाल सकते हो। अब मान लो अगर आपका लक ख़राब है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको पॉइंट बताया, तो भी आप यहाँ से 15,000 तो निकाल ही लोगे, तो भी आप यहाँ से 4,900 रुपये के प्रॉफिट में ही रहोगे। तो भाई ये एक सिंपल सा प्लान है, ये मैं बहुत मतलब काफ़ी बार बोल चुका हूँ लोगों को, लेकिन क्या वर्बली बोलो और लिख के समझाओ तो उसमें फ़र्क होता है। तो ये गाइस एक बेसिक सा प्लान है, आप खुद सोचो कि आपका लक कितना ही यहाँ से ख़राब हो लेगा, कि मतलब एक आदमी अगर वो 100 मैच खेला तो उसमें 50 तो हार नहीं जाएगा यार, आप मतलब कोई बच्चे तो हो नहीं, और आईपीएल जैसी कॉमन चीज़ें आप इतने नॉलेज लेते हो, इतने टाइम से खेल रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप 100 में से 70 तो विन कर ही लोगे यार, 65 भी विन कर लिए तो आपके पास समझ लो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जब मैंने आधा आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे 100 में से 50 हार जाओगे, तो भी आप यहाँ से 4,900, ठीक है, इस प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ, और यहाँ से 7,800 ऐसे प्रॉफिट में आप होंगे, तो आप सोच लो कि मतलब 1-2 महीने में इतनी तो यार बेसिक आदमी की अर्निंग हो जाती है, एक नॉर्मल आदमी की, अगर अपन इंडिया में लेबर देखें तो मतलब आप खुद सोचो कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे हिसाब से तो यही प्लान बहुत सही है, बिकॉज यहाँ पे स्कोप है 70 जीतने का भी आपका और 65 जीतने का भी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बताऊँ तो आपका 100 में से 90 जीतने का भी स्कोप है, अगर आप सही तरीके से खेलते हो, वीडियोस वगैरह अगर आप देखते हो, लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ये नहीं कि हवा में आपने टीम बना दिया, अरे ये तो मेरा फेवरेट प्लेयर है, यही मारेगा, ये सब नहीं, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वाला जो इन्वेस्टमेंट का मेरा तरीका था, स्टेप था, ये समझ में आया होगा आपको, और ये जो ट्रिक है मैं कहीं कई सीरीज़ में फॉलो कर चुका हूँ, और इससे कहीं सारा बेनिफिट होता है, और नहीं भी होता है तो एट द एंड समझ लो कि अब यही बात कर रहा हूँ ना, अगर आप एक एग्जांपल ले लो, अगर आपने 25,000 का यहाँ से बजट बना लिया, ठीक है, लेकिन अगर वो मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं करा आपने काम, आज आपने 2,000 लगाए, ठीक है, यहाँ से आपके एक एग्जांपल ले लो 6,000 हो गए, ठीक है, 3 गुना हो गए, कल आपको जोश चढ़ा रहे, ये मैच तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं जैकपॉट मैच है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत तगड़ा है, ये तो मेरी फेवरेट टीम है, यहाँ से आपने क्या करा 8,000 लगा दिए, ठीक है, वो 8,000 आपके पूरे डूब गए, आप फिर से वापस आधे पे आ गए यहाँ से। तो क्या है ना कि ये इसको आपको कम नहीं करने देना है, इसको आपको बढ़ाते रहना है, ठीक है ना। तो ये एक सही तरीका होगा आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी देखो ग्रैंड लीग की बात करता हूँ, ग्रैंड लीग गाइस बहुत बड़ा एक ट्रैप है। ट्रैप क्यों है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खेलो खेलो, 1 करोड़ देख के तो कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा फर्स्ट प्राइस पे, लेकिन भाई इस ट्रैप इस तरीके से है, बिकॉज मैं अराउंड 1.5 साल में 80,000 रुपीज़ ग्रैंड लीग्स में बर्बाद कर चुका हूँ। मेगा ग्रैंड लीग्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें लाखों लोग खेलते हैं, उसमें गाइस मैं करीबन 80,000 रुपये अपना बर्बाद कर चुका हूँ। तो उसके बाद एक ही चीज़ समझ में आई कि देखो जो ट्रैप होता है ना मेगा ग्रैंड लीग का, वो बहुत बुरा होता है। जैसे ही अपन खोलते हैं ना एप्लीकेशन, और उस पर लिखा होता है फर्स्ट प्राइस 7 लाख
1 करोड़ IPL में तो ऐसा देखेगा 25 लाख। तो ये गाइस ट्रैप बहुत ही गंदा होता है, मतलब मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अब करने लगा हूँ धीरे धीरे। और आप लोगों को भी इसलिए एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये ट्रैप बहुत ही बुरा है। मैं नहीं कहता हूँ गलत है, ठीक है, जब लगती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और ट्राई करना भी। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि आपको खेलना ही है, आपका एंड टारगेट क्या है, कि आपको क्रेडिट से कितने, अगर आपको 20-50 हज़ार यहाँ से 1-1.5 लाख रुपए ऐसी अमाउंट निकालनी है, तो गाइस मैं आपको बढ़िया एडवाइस दूंगा यहाँ से। आप सबसे बढ़िया यहाँ से स्पोर्ट्स ही हो गया, बैट बॉल 11 हो गया, विजन 11, ये 3 गाइस एप्लीकेशन जो है वो ग्रैंड लीग के लिए इतने अच्छे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। और लोग इतना पैसा निकाल रहे हैं, आप लोग इन इन एप्लीकेशंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हो कि यार यहाँ पे लाखों नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पर आप खुद सोचो, यहाँ पर फर्स्ट प्राइज 75 हज़ार है, ठीक है, 35 हज़ार है, 25 हज़ार है, 10 हज़ार है, ऐसे गाइज यहाँ पर प्राइस है, ठीक है ना, ये सब प्राइस यहाँ पर है। और एंट्री कितनी है, 16 रुपये, 24 रुपये, 28 रुपये मैक्सिमम एंट्री बता रहा हूँ आपको। सबसे महंगी एंट्री यहाँ पे होगी 35 रुपये, इससे ज़्यादा महंगी यहाँ पर नहीं होगी इन तीनों एप्लीकेशंस पर। प्रूफ आपके सामने है, बिग बैश लीग का मैच था, 24 रुपये एंट्री से मेरा ही रिजल्ट है, फर्स्ट प्राइस 35 हज़ार रुपये, ठीक है, 304 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉफिट 38,890, 10 हज़ार रुपये इसमें से टैक्स चला गया था, TDS कट गया था, बिकॉज यहाँ से 35 हज़ार रुपये विनिंग हुई थी। तो आप खुद सोच सकते हो, ये हमारा ही, मेरा ही खुद का रिजल्ट है पर्सनल, 6 टीम से आप देख सकते हो। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी ये मैच में, तो कुछ 71 रुपीज़ की मैं 2 कॉन्टेस्ट खेल रहा था, बाकी इतनी सस्ती एंट्री थी तो मैंने कहा इसी में ट्राई करो। लोग देखो कितने हैं, 7,500 लोग, 7,500 लोग। तो आप खुद सोचो कि आप इतने में खेल के यहाँ निकाल लोगे कि आप 49 रुपीज़ एक ऐसे प्लेटफॉर्म को दोगे जहाँ पर IPL में तो 25 लाख लोग खेल रहे हैं, 25 लाख लोग, उसमें से एट द एंड आपको मिलना क्या है, 49 ही मिलना है, कुछ सिनेरियो में तो 49 भी नहीं मिलना है। और आप लोग एक बात बताऊँ, जब मैं ये वाली जीता था ना, उसी के अगले दिन इन लोगों ने पता क्या करा था, 1,35 रुपये से यहाँ पे फर्स्ट प्राइस 75 हज़ार रुपये की रख दी थी। तो अगर उस टाइम होती ना तो मैं वो वाली भी क्रैक कर लेता, बिकॉज क्योंकि जो पॉइंट सिस्टम था ना, जो इसके नीचे 1,16 रुपये वाली भी थी, उसका फर्स्ट प्राइस था 8,000 रुपये, उसमें भी मेरी जो ये टीम थी वो काफ़ी ज़्यादा लीड करी थी। तो अगर वो होती उस दिन तो मैं उसमें भी जीत जाता और काफ़ी अच्छी अमाउंट जीत जाता, 1 लाख+ प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेता मैं यही 500-600 रुपये इन्वेस्ट करके। तो सेम वाइज स्पोर्ट्सी का सीन है। और सबसे अच्छी बात क्या है इन तीनों एप्लीकेशन की, मतलब पांचों की ही है, लेकिन फॉर मिनी ग्रैंड लीग अभी आपको बताऊं तो ये 3 एप्लीकेशन इतने क्या कहते हैं अंडररेटेड एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे गाइज आपको IPL में क्या देखने, ड्रीम इलेवन पे गाइज आप खुद बताओ कि आप यहाँ से 49 रुपीज़ की ग्राइंड लीग में एंट्री लेते हो, 74 मैच, ठीक है, डेली आपको एंड में मिलता गया है कुछ नहीं। इन एप्लीकेशन पे आप 16, 26, 35 ऐसी एंट्री अगर डेली लोगे ना, भले एक टीम से लो, 2 टीम से, वो पॉइंट आपका काउंट होगा, जो भी आपकी टीम स्कोर करती है ना वो पॉइंट आपका काउंट होगा। और वो पॉइंट पता है कहाँ जाएगा, वो जाएगा लीडर बोर्ड में। अभी स्पोर्ट्स ही ने सॉरी हाँ विजन 11 ने अभी कबड्डी के लीडर बोर्ड में विनर को फर्स्ट प्राइज़ वाले को 10 लाख रुपये दिए, सेकेंड को 5 लाख, थर्ड को 2 लाख, ऐसे प्राइज बांटे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स ही ने भी किस तरीके के बांटे, फर्स्ट प्राइस था 2 लाख कबड्डी लीडर बोर्ड का, बिकॉज सॉरी सेकंड प्राइस 1 लाख, इस तरीके के प्राइस कबड्डी लीडर बोर्ड पे इन्हें बांटे हैं, 55 लाख रुपए का इन्होंने रखा था विजन 11 ने, ठीक है, लीडर बोर्ड कबड्डी पे। तो अब आप खुद सोचो कि IPL तो इतना बड़ा माना जाता है हमारे यहाँ, तो उसमें ये लोग कितने बड़े रखेंगे। 11 चैलेंजेस भी रखेगा, पर 11 चैलेंजेस की मुझे दिक्कत क्या है, स्मॉल लीग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस, सबसे सस्ता कोई स्मॉल लीग के लिए एप्लीकेशन तो विजन 11 है, और यहाँ से 11 चैलेंजर्स है, सबसे सस्ती एप्लीकेशन यही है स्मॉल लीग्स के लिए। लेकिन जो मिनी ग्रैंड लीग है यहाँ पर थोड़ी सी महंगी आ जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विजन 11 हो गया, स्पोर्ट्स ही हो गया, और बैट बॉल गाइस काफ़ी अंडररेटेड IPL के मामले में। आप यहाँ से खुद देखना मेरी बात अगर आपको गलत लग रही है, तो इतनी बढ़िया ग्रैंड लीग्स यहाँ पर आपको देखने मिलेगी ना। आप गाइस खुद सोचो कि अगर आपने एक मैच से भी यहाँ से 30-50 हज़ार रुपये ग्रैंड लीग से निकाल लिए ना, ये वाली इन ग्रैंड लीग से, तो गाइस आप सोच नहीं सकते हो कि वो 30-50 हज़ार से जब आप सुकून से स्मॉल लीग खेलोगे ना, तो उनको आप 3 गुना कर लोगे, हॉनेस्टली बता रहा हूँ मैं यहाँ से। लेकिन ये चीज़ बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं,
जस्ट बिकॉज इस ट्रैप के चक्कर में जिसमें मैं भी खुद फंसा हूँ, अपना खूब सारा टाइम वेस्ट किया, घंटों घंटों नोट्स बनाए, आज ये करेंगे मैच में, आज ये करेंगे, ये टीम एंड में होता क्या है, कई मोस्टली टाइम क्या होता है सारी टीम फ्लॉप हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपको पहले से टीम डालनी पड़ेगी, आफ्टर द टॉस एडिट करोगे, एडिट के चक्कर में ही यहाँ पे रोना हो जाता है। मैं नहीं कहता हूँ जीतते नहीं है, जीतते हैं, और आप खुद सोचो कि अगर एक भी जीत गए तो लाइफ बदल सकती है, लेकिन वो लाइफ बदलने के चक्कर में बहुत सारा कुछ देना पड़ता है। इसलिए एंड प्रोडक्ट देखो क्या है, अगर आपका एंड प्रोडक्ट ये है ना जो मैंने आपको यहाँ से अभी हाल ही बताया है, अगर आपका एंड प्रोडक्ट ये है कि आपको इतनी ही रिक्वायरमेंट है, तो गाइस मेरी बात मानो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार अच्छे से अच्छा परफॉर्म, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम लोग खेलने कितने हैं, आपको हाईएस्ट लोग बता रहा हूँ, सबसे बड़ी अगर कोई ग्राइंड लीग होगी भी तो उसमें 10,000 से ज़्यादा आपको बंदा नहीं देखने मिलेगा यहाँ पर, कन्फर्म ग्राइंड लीग्स होती है, ना कोई प्राइस चेंज होना ना कुछ, ठीक है। और जो आप लोग ड्रीम इलेवन में 39 वाली खेलते हो 330 मेंबर, वैसी और उससे भी सस्ती ग्राइंड लीग्स चाहिए तो स्पोर्ट्स की पर आपको मिली ग्राइंड लीग्स बहुत अच्छी मिल जाएगी, विजन इलेवन में सस्ते रेट में मिल जाएगी, और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा। बैट बॉल इलेवन तो अलग ही सीन है भाई, इनका लीडर बोर्ड देख लेना, 10 लाख जाएगा मेरे हिसाब से फर्स्ट प्राइज इस बार, बिकॉज लास्ट ईयर ही 5 लाख था। तो ये गाइस कुछ पॉइंट्स थे आपको बता रहे थे, और कोई पॉइंट रह तो नहीं गया इसमें। एक्सपर्ट्स वाला ट्रैप रह गया था गाइस, एक्सपर्ट्स गाइस क्या होता है, या तो देखो आप एक काम करना IPL में, सबसे बेस्ट आपको काम बताता हूँ, कोई भी एक चैनल आप चूज़ कर लेना, कोई भी किसी का भी, उसी की टीम से आपको यहाँ पे पूरे 74 मैच खेल डालने हैं, ठीक है। क्योंकि वो बंदा क्या करेगा ना, आपको यहाँ से 74 में से 20 मैच 30 मैच हो गए, इतने उसके बेकार जाए, लेकिन उसके 74 के 74 तो बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बंदा भी अपने प्रॉफिट के लिए ही खेल रहा है, ठीक है ना, आपको जो टीम दे रहा है वो भी खेल रहा होगा उसी से। तो यहाँ आप करना, आप मेरे से खेल सकते हो या आप किसी और की से खेल सकते हो, लेकिन हमेशा देखो बस ये गलती नहीं करना कि आज दो मैच इसके से खेले, कल इसने हरा दिया, फिर तो मान लो परसों भी हरा दिया, तो आप चले गए किसी नए के पास, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देखो कोई भी बंदा होगा कभी भी हारने के लिए नहीं खेलता, उसको खुद पता है कि अगर मैं मेरी हार रही है बार बार, तो पहली एक दो हार में तो वो आपको संभाल लेगा कि यार गाइस मिस्टेक हो गई, लक नहीं था ये वो, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि आप उसकी टीम से 5 से 10 मैच यहाँ पे हार जाओ, क्योंकि अगर आप हार जाओगे तो उसका तो कस्टमर चला गया ना, आप उसका चैनल तुरंत वहाँ से अनसब्सक्राइब कर दोगे। तो कभी भी हमेशा याद रखो, अगर सक्सेस होना है ना तो किसी एक को फॉलो करना इस फील्ड में, स्पेशली ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पर रेगुलर मैचेस होते हैं और रेगुलर टीम्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा किसी एक एक्सपर्ट को फॉलो करना, आप भले किसी को भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मेरी सुन रहे हो तो मेरे को करो, किसी को भी, जो भी आपको ठीक लगे कि मुझे रिज़ल्ट यहाँ पे दे सकता है, मुझे थोड़ा सा भी इसके रिज़ल्ट सही लगते हैं या इसका काम करने का तरीका सही लगता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो यहाँ से, और डेली आपको उसी से खेलना है, भले ही आप 2-3 मैच इकट्ठे क्यों ना हार जाओ, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी कि आप उसका चैनल छोड़ के चले जाओ, ठीक है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ इन जनरल, बिकॉज कोई भी एक्सपर्ट आपको डेली नहीं हरा सकता, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। बाकी देखो यहाँ से बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, देखो पैसा आपका है, आपको करोड़ों, 50 करोड़, 7 करोड़, 25 लाख लोग, 30 लाख लोगों में खेलना है और करोड़ों ही निकालने हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट वो रखो। मैं तो भाई ऐसा बंदा हूँ कि मुझे पता है अगर मैं 75,000 यहाँ से 35,000 ऐसी अमाउंट अगर मैंने निकाल ली, ठीक है, 8,000 10,000 वो भी 20-25-30 रुपये इन्वेस्ट करके, तो मुझे पता है उनका मैं 3 गुना कितनी जल्दी कर सकता हूँ, बिकॉज जो महंगे वाले स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, ठीक है, और वो बहुत सुकून वाली ज़िंदगी होती है जब आप महंगे कॉन्टेस्ट खेल सको, वो बहुत सुकून वाली ज़िंदगी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप डेली का उसमें अगर दो मैच भी खेल रहे हो तो साला 10-15 हज़ार रुपये दिन का निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो एंड प्रोडक्ट देखो हमेशा, लाखों करोड़ों के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। ड्रीम इलेवन मुझे 2 बार अलर्ट दे चुका है, 2 साल में 50-50 हज़ार आप हार चुके हो, ध्यान से खेलो, और वो सारा पैसा कायम है ग्राइंड लीग में, स्मॉल लीग तो वहाँ पर खेलता नहीं हुआ है, तो इसलिए आपके ऊपर है ये गाइस। जितने भी एप्लीकेशन है इनकी आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर क्लिक करोगे वहाँ पर मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। करना क्या है, छोटा सा काम है, साइन अप जब आप करो, अगर वो साइन अप या रेफर कोड मांगे तो आपको उसमें BF टिप्स यहाँ पे डाल देना है,
ताकि आप एक हमारी फ्रेंड लिस्ट में आ जाओ सबसे पहली चीज़। और दूसरा जो है, जो हम गिव अवेज़ वगैरह कराते हैं, हम खुद के भी अपने लीडर बोर्ड्स वगैरह चलाते हैं, तो उसमें क्या है, हम आपके कॉन्टेस्ट ट्रैक कर सकें कि आप कितना खेल रहे हो कितना नहीं खेल रहे हो, ठीक है। तो ये भी हमें एक बेनिफिट हो सकता है। बाकी देखो, अगर आप लोग सोचो कि बहुत ज़्यादा मुझे कोई प्रमोटर हूँ या कमीशन मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हो, वो भी खेलता है, तो देखो एक जनरल कमीशन होता है 20% रेफर योर फ्रेंड पे, तो वही मुझे मिलता है। मेरे चैनल पे मुश्किल से 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है टेलीग्राम पे, तो कोई इतना बड़ा मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, ना ही मुझे, मैं बात भी करता हूँ इन लोगों से तो कहते हैं सर आप पहले 3,000 सब्सक्राइबर कर लीजिए, 4,000 कर लीजिए, तो मुझे यहाँ से वो नहीं हो पाता, इनके साथ पार्टनरशिप नहीं हो पाती है। लेकिन यदि आप साइन अप कोड बी एफ टिप्स यूज़ कर लेते, तो आपको बस यही बेनिफिट होगा कि आप हमारे लिस्ट में आ जाओगे सबसे पहली चीज़, और दूसरी क्या है, हम आपके कॉन्टेस्ट देख काउंट कर सकते हैं कि आप कितना खेलते हो यहाँ पर, तो उस हिसाब से हम लीडर बोर्ड चलाते हैं। बिकॉज अभी क्या है, CWC चल रहा है वुमेंस वर्ल्ड कप, इसमें भी हमने स्पोर्ट्सी के ऊपर एक लीडर बोर्ड अपना खुद का रखा हुआ है, तो उसमें हम आपको ट्रैक कर रहे हैं। बाकी IPL आ रहा है, तो IPL में आई एम श्योर मैं जो ट्रूली क्रिकेट ऐप है ना, बैट बॉल लेदर या तो इस पे स्पोर्ट्स, इन दोनों में से किसी एक पे मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। और शायद 11 चैलेंजेस पे भी रख सकता हूँ, बिकॉज इसका भी अब जो क्रेडिट सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है अदर ऐप्स की तरह, मतलब ये सारे ऐप्स का क्रेडिट सिस्टम अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, सब पे एक जैसी टीम बन सकती है, ऐसा नहीं है कि एक बैटर के साथ जा सकते हो, वो सिस्टम इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, और मैंने ही कराया एक्चुअली कह के बार बार, बिकॉज उसके फ़ायदे तो थे लेकिन उसके नुकसान भी थे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत क्लियर कट समझाया है, अगर मुझे लग रहा है कुछ लोगों को फिर भी डाउट होंगे तो आप यहाँ से कमेंट कर देना एक बार, आपको इस वीडियो के नीचे मैं खुद रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। हिंदी में पूछना हो हिंदी में, इंग्लिश में पूछना हो इंग्लिश में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और ये सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।